सो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं MIUI 13 अपडेट, न्यू अपडेट, एंड्रॉइड 12 अपडेट इंडिया में कब तक देखने के लिए मिलेगा कुछ डिवाइसों को, और यहाँ पर आज कुछ डिवाइसों के लिए अपडेट देखने के लिए मिले इंडिया में, तो कौन से वो डिवाइस इसके बारे में बात करेंगे, तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा Redmi 9 Power। सबसे पहले यहाँ पर आपको तो जिनके पास Redmi 9 Power का ग्लोबल वेरिएंट है, यानी कि Redmi 9T का डिवाइस है, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो अपडेट मिला था MIUI 12.5.11.0 का अपडेट, तो वो अपडेट कुछ पायलट यूजर को मिला था कुछ ही दिन पहले। अभी तक ये अपडेट सभी यूजर को रोल आउट नहीं किया है, तो मैं आपको बता दूं इस वीक का वेट करो, आने वाले 2-3 या 4 दिन में ये अपडेट सभी लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी जो लिंक्स वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएगी, वहाँ पर मैंने ऑलरेडी दे दी है, तो वहाँ से आप लोग आने वाले 2-3 दिन बाद भी मैनुअली अपडेट कर पाओगे। लेकिन अगर बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में दोस्तों आज Redmi 9 Power के लिए अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है, वो भी पार्शली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो बिल्ड नंबर देखने के लिए मिलता है MIUI 12.5.9.0 का, ये बिल्ड नंबर रिलीज किया गया है, और यहाँ पर मिलता है 321 MB की साइज। अपडेट लॉक की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है वही बिल्ड नंबर है, वही साइज है, और यहाँ पर आपको May 22 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है, जो कि इसी मंथ का देखने के लिए मिल जाता है। अब ये जो अपडेट है, पहले 2 दिन पहले पायलट यूजर को रिलीज किया गया था, आज यहाँ पर पार्शल रिलीज कर दिया गया, यानी कि पब्लिकली लेकिन कुछ लिमिटेड यूजर को। तो जिनके पास Redmi 9 Power का इंडियन वेरिएंट का डिवाइस है, तो आप लोग चेक कर लेना, शायद आपको भी अपडेट देखने के लिए मिल जाए। बाकी इंतजार करो, जिनको नहीं मिलता है 2-3 दिन में यहाँ पर फिर से सभी लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर उसके बाद आप लोग मैनुअली भी अपडेट कर सकते हो। इसकी लिंक्स भी मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी है, और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि कोई भी अपडेट्स आते हैं उसकी लिंक्स और न्यूज़ वहाँ पर मैं सबसे पहले प्रोवाइड करा देता हूँ, और टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस। अगर आपके पास इंडिया में MI 11X Pro का डिवाइस देखने के लिए मिलता है, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर एक नया अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है MIUI 13 का, वो भी इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अपडेट की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं MI 11X Pro के लिए अपडेट रिलीज किया गया है। MIUI 13.0.3.0 का अपडेट है, 311 MB की साइज देखने के लिए मिलती है, और ये अपडेट इंडिया में रिलीज किया गया है। तो यहाँ पर मिलता है आपको लेटेस्ट इसी मंथ का सिक्योरिटी पैच अपडेट, छोटे मोटे बग से उनको फिक्स किया गया, तो ये अपडेट MI 11X Pro के लिए इंडिया में रिलीज किया गया। तो अगर आपके पास ये डिवाइस है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करूँ Redmi Note 10 Pro Pro Max की, तो इंडिया में जिनके पास ये डिवाइस देखने के लिए मिलता है, तो आप लोगों को पता होगा कि MIUI 13.0.4.0 अपडेट, जो कि MIUI 13 का सेकेंड अपडेट है, ये अपडेट काफ़ी सारे यूजर को ऑलरेडी मिल चुका है, बट अभी भी कुछ यूजर है जिनको ये अपडेट नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग इसको अभी मैन्युअली भी अपडेट कर सकते हो। इसकी जो लिंक्स है ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर मैंने प्रोवाइड करा दी। चूज अपडेट पैकेज की मदद से कोई भी एक फाइल डाउनलोड करके आप लोग वहां से इंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको वेट नहीं करना है अपडेट को लेकर, तो यहाँ पर आप लोग मैन्युअली अपडेट कर सकते हो, या फिर इसी वीक में फिर से सभी यूजर को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अपडेट डेली किसी ना किसी यूजर को देखने के लिए मिल रहा है इंडिया में Redmi Note 10 Pro Pro Max यूजर के लिए। और यही बात करो Poco X3 Pro यूजर के लिए, तो उनके लिए भी डेली किसी ना किसी यूजर को अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है इंडिया में Poco X3 Pro के लिए। MIUI 13.0.2.0 का जो बिल्ड नंबर रिलीज किया गया, वही बिल्ड नंबर यहाँ पर काफी लोगों को डेली किसी ना किसी यूजर को देखने के लिए मिल रहा है, तो आप लोग चेकआउट कर लेना। और दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताओ Poco X3 Pro में आपको कौन से बग्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, या फिर नहीं अपडेट के बाद किसको कोई बग्स मिले हैं तो नहीं मिले, जो भी कमेंट करके आप लोग बता सकते हो अपडेट के बाद। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ Redmi 9 Prime की, तो Redmi 9 Prime को लेकर काफ़ी लोग के मेरे पास सवाल आते थे कि MIUI 13 अपडेट के बारे में बताओ, न्यू अपडेट के बारे में बताओ, कौन सा नया अपडेट हमें कब तक रोल आउट किया जाएगा। तो उसके ऊपर दोस्तों मैंने आज ही वीडियो आप लोग के लिए बना दी है, आप लोग चैनल पर जाकर चेकआउट कर लेना। जिनके पास इंडिया में Redmi 9 Prime का डिवाइस है, वहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया है, यानी कि वहाँ पर न्यू अपडेट कब तक रोल आउट किया जाएगा, फिर MIUI 13 अपडेट कब तक रोल आउट किया जाएगा, कौन सा अपडेट बिल नंबर रोल आउट किया जाएगा, मैंने उसी वीडियो में आप लोग को बता दिया। तो जाकर एक बार जरूर देख लेना, जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों इसके अलावा बात करूँ नेक्स्ट जो है, तो अगर आपके पास MI 11i का ग्लोबल वेरिएंट का डिवाइस है, तो फाइनली आप लोग के लिए भी एक नया अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है MIUI 13 का, और ये अपडेट काफ़ी सारे यूजर को रिलीज किया है, जिसका बिल्ड नंबर आप लोग देख सकते हो MIUI 13.0.2.0 अपडेट। पहले MIUI 13.0.1.0 अपडेट था, और ये अब नया अपडेट है MIUI 13.0.2.0 अपडेट। ये फिर से काफ़ी सारे यूजर को रिलीज किया गया MI 11i के लिए, ग्लोबल यूजर के लिए। मैं आपको बता दूं
ये वही डिवाइस है जो ग्लोबल में MI 11 I के नाम से मिलता है, लेकिन इंडिया में MI 11 X Pro के नाम से देखने के लिए मिलता है। तो दोनों जगह यहाँ पर MIUI 13 के नए बिल्ड नंबर के अपडेट इंडिया में भी ग्लोबल में भी रिलीज होना स्टार्ट हो चुके। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिवाइस है जाकर चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट डिवाइस की बात करूँ तो दोस्तों अगर आप पोको F4 GT का ग्लोबल वेरियंट का डिवाइस है तो यहाँ पर आप लोग के लिए एक नया बिल्ड नंबर का अपडेट देखने को मिला जिसका बिल्ड नंबर है MIUI 13.0.5.0 का अपडेट लेटेस्ट बिल्ड नंबर है। यहाँ पर छोटे मोटे ऑप्टिमाइजेशन देखने के मिल जाते हैं, इसी मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल जाता है। तो ये जो अपडेट है ये अपडेट ग्लोबल यूजर के लिए देखने के लिए मिला है, पोको F4 GT यूजर के लिए चेकआउट कर सकते हो अगर आपके पास ये डिवाइस है। तो अगर मैं बात करूँ Redmi Note 9 Pro Max की तो Redmi Note 9 Pro Max के भी काफी लोग के मेरे पास डेली कमेंट्स आते हैं, हर वीडियो के नीचे किसी ना किसी यूजर के कमेंट्स देखने के लिए मिल ही जाते कि हमें बताओ Redmi Note 9 Pro Max में नया अपडेट कौन सा होगा, क्या MIUI 13 अपडेट होगा या फिर कोई सिक्योरिटी अपडेट होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपके डिवाइस के लिए MIUI 13 अपडेट Android 12 अपडेट जुलाई के एंड तक रोल आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको जुलाई एंड तक वेट करना है, जुलाई के एंड तक Redmi Note 9 Pro Max के लिए ग्लोबल में और उसके बाद दो वीक के बाद वो अपडेट इंडिया में, यानी कि जुलाई एंड तक आप इंतजार करो। आप लोगों को MIUI 13 अपडेट और Android 12 अपडेट दोनों अपडेट साथ में रोल आउट कर दिया जाएगा, तब तक के लिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर Xiaomi के ऊपर डिपेंड करता है, अगर यहाँ पर अपडेट जुलाई में आ जाएगा तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, या फिर उससे पहले कोई एक सिक्योरिटी पैच अपडेट भी Xiaomi की तरफ से रोल आउट किया जा सकता है, मतलब यहाँ पर डिवाइस के लिए रोल आउट किया जा सकता है जो कि जून के मंथ में एनी टाइम रिलीज हो सकता है। अगर जून के मंथ में कोई भी अपडेट नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट मंथ में जुलाई के मंथ में फिर आपको MIUI 13 अपडेट Android 12 का ही अपडेट देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करूँ पोको X3, तो पोको X3 के लिए कौन सा नया अपडेट देखने को मिलेगा, क्या MIUI 13 अपडेट पहले मिलेगा या फिर कोई नया सिक्योरिटी पैच अपडेट अभी और आना बाकी है। तो इसके रिगार्डिंग भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, क्योंकि काफी यूजर के अभी भी मेरे पास कमेंट्स आते हैं MIUI 13 अपडेट को लेके। यहाँ पर काफी लोग के डाउट है कि MIUI 13 अपडेट नेक्स्ट अपडेट होगा या फिर कोई सिक्योरिटी अपडेट नेक्स्ट अपडेट होगा। तो मैं आपको बता दूं MIUI 13 अपडेट के लिए आपको जुलाई एंड तक वेट करना पड़ेगा, आपको जुलाई के मंथ में ही MIUI 13 अपडेट रिलीज किया जाएगा पोको X3 यूजर के लिए। और ये जो अपडेट है सबसे पहले ग्लोबल में रिलीज किया जाएगा, उसके बाद दो वीक के बाद वो अपडेट इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। तो अब थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा आप लोगों को, अगर उससे पहले कोई और सिक्योरिटी पैच अपडेट आ गया तो MIUI 13 अपडेट थोड़ा सा और डिले हो सकता है, यानी कि जुलाई एंड भी हो सकता है या फिर मिड अगस्त स्टार्ट अगस्त वीक का टाइम भी आप लोगों को लग सकता है इंडिया में MIUI 13 अपडेट के लिए। बट ग्लोबल में तो जुलाई के मंथ में डेफिनेटली MIUI 13 अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्लोबल के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे अपडेट ग्लोबल में मिलना स्टार्ट हो जाएगा MIUI 13 का तो उसके कुछ ही दिनों बाद अपडेट इंडिया में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा इंतजार करो, जैसे अपडेट के बारे में कोई डिटेल निकल के आएगी मैं डेफिनेटली आप लोगों को वीडियो के जरिए इन्फॉर्म कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर भी इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया फटाफट से ज्वाइन कर लो, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप चैनल दोनों की जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और Redmi Note 10 S यूजर के लिए भी वही चीज बोलूंगा कि आपको इस मंथ का एंड तक का वेट करना है, इस मंथ के एंड तक आप लोगों को भी MIUI 13 अपडेट Android 12 अपडेट इंडिया में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जून के मंथ का, ठीक है। यहाँ पर एक दिन बचा है मई एंड होने में, अब यहाँ पर इसके बाद जून का मंथ स्टार्ट होगा तो जून के मंथ का वेट करो, डेफिनेटली जून के मंथ में यहाँ पर आपको MIUI 13 अपडेट Android 12 अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर अपडेट के जरिए मैं वीडियो के जरिए बताता रहूँगा कोई भी न्यूज़ आते ही। तो यहाँ पर ये कुछ डिवाइस के बारे में आपको बताना था इस वीडियो में MIUI 13 Android 12 अपडेट को लेके। बाकी जो डिवाइस को आज अपडेट्स मिले तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो, अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिवाइस है तो डेफिनेटली आप लोगों को भी अपडेट्स मिला होगा, नहीं मिला तो आप लोगों को क्या करना है मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, कैसे मैन्युअली अपडेट कर सकते हो, कितना वेट करना पड़ेगा मैंने यहाँ पर बता दिया। तो उम्मीद करता हूं आप लोग आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो फटाफट से इसको लाइक कर सकते हो, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी का बटन ऑल पे पिक कर देना, फ्यूचर में अपडेट्स आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन वीडियो के नोटिफिकेशन के जरिए भी पता चलते रहेंगे।